हेलो फूडीज, वेलकम टू मोना इजी फूड मैजिक। आज मैं बनाऊंगी जीजी से पास्ता। चलो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल को गरम किया और इसके अंदर राई को तड़का लिया है। अब मैं इसके अंदर प्याज भून लूँगी। मीडियम साइज़ का मैंने प्याज को काटा है। अब इसको हल्का हल्का ब्राउन होने तक भून लूँगी। प्याज हल्का भुनना शुरू हो जाएगा तो मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का जो टमाटर को भी चॉप कर रखा है वो भी इसमें डाल लूँगी और इसको हल्का हल्का भुन लूँगी। अब यहाँ पे मैंने हाफ शिमला मिर्च को कट किया है, वो मैं डाल लूँगी। आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो अगर किसी को शिमला मिर्च पसंद नहीं है तो। पास्ता है ना, खाने में बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनता है। अभी मैं इसके लिए व्हाइट सॉस रेडी करूँगी। यहाँ पर मैंने 1 स्पून बटर लिया है और इसके अंदर 1 स्पून मैदा को डाला है और उसको अच्छे से भून लूँगी हल्का हल्का चलाते हुए, वरना ये चिपक जाएगा। इसको ऐसे चलाती रहूँगी हल्का हल्का। और अभी मैं इसके अंदर 4 स्पून मिल्क को ऐड करूँगी और इसको अच्छे से चलाती रहूँगी। क्रीम बनती है ना, वो बहुत अच्छी बनती है और इससे पास्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बन जाता है। और मैं इसको ऐसे चलाती रहूँगी, जब तक चलाती रहूँगी ये हल्का टाइट फॉर्म में ना आ जाए। मैं इसके अंदर 1/4 नमक को ऐड करूँगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस वाइट सॉस के अंदर। अभी मैं इसको लगातार इसी तरह फिर से चलाती रहूँगी। ये हल्का गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अगर आप लोगों को ये पास्ता अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब मैं इसके अंदर मिक्स हर्ब्स ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने ओरिगेनो को डाला है 1/4, और इसको भी मैं अच्छे से मिला लूँगी चलाते हुए। इसको हमें रुकना नहीं है, चलाते रहना है वरना ये चिपक जाता है। और अब मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स को ऐड कर लूँगी और इसको भी लगातार चलाती रहूँगी। और यहाँ पे मैंने अमूल चीज़ के 2 पीसेस ऐड किए हैं और इसको भी मैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे पास्ता बहुत ही चीजी बन जाता है। यहाँ पे मैंने जो ग्रेवी रेडी की है ये भी हल्की भुननी शुरू हो गई है, तो अब इसके अंदर सारे मसालों को 1/2 ऐड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 1/4 नमक और रेड चिली पाउडर ऐड किया है और इसको अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ पे मैंने बॉईल किए हुए जो पास्ता है वो भी इसके अंदर मिला लूँगी। लोग पास्ता के अंदर नमक मिर्च जो भी मसाले ऐड करो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बॉईल करते हुए भी मैंने पास्ता के अंदर 1 स्पून नमक को ऐड किया था जिससे ये पास्ता नमकीन हो चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/4 नमक को ऐड किया है। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने जो चीज़ रेडी की है ना पास्ता के लिए वाइट सॉस वाली, वो भी अभी मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी जिससे पास्ता बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बन जाएंगे। ये देखो ये चीज़ कितनी अच्छी बनी है। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें ये पास्ता बनकर बहुत अच्छे रेडी होते हैं और यकीन मानिए ये वाले पास्ता आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाओगे तो आपका बार बार मन करेगा बनाने का। आप ज़रूर मेरे बताए हुए तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये देखो कितने वाइट होने शुरू हो गए पास्ता, कितनी चीज़ी लग रही है ना पास्ता। अभी मैं इसको एक प्लेट में सर्व कर लूँगी। ये देखिए कितने सुंदर बने हैं पास्ता। अभी ये खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।